Again, the difficulty is So probably in the afternoon, the custody will be given to Mysore Police. Sir, and Mysore Police will be coming again. So probably Mysore Police will take Mysore to Mysore. Yeah, their case is in the 376 सारे केसेस हैं मेरे क्या आ जाए यार सर नीचे ना मैं चले भाई चले भाई ये केस खत्म नहीं है सवाल यहां से पुलिस कस्टडी की जरूरत है या नहीं पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू रहेगा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में जो पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी और उसके बाद केस चलेगा तो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगा सर ने सॉरी कि सर फाल्गुनी मैम यहाँ पे है जय जय जी भी है ये लोग केस लड़ रहे हैं मैं कहाँ हुआ कोर्ट कचहरी कानून मैं नहीं जानती हूँ बट मैं अक्यूज्ड हूँ और मैं आई हूँ और कंप्लेनेंट सॉरी कंप्लेनेंट हूँ मैं और केस लड़ रहे हैं और कोर्ट के ऊपर है जो भी है अभी भी उन्होंने कुछ कहा है आपको जैसे कि पहले भी वो बहुत कॉल्स करते थे आज दिन तो बार बार पलट रहे हैं कभी कहते दो मिनट बात करनी फिर कहते नहीं करनी फिर कहते करनी है फिर कहते नहीं करनी ऐसे पलट रहे हैं बार बार और सबको नचा रहे हैं चलो कोई बात नहीं है कानून को नचा नहीं सकते कानून कानून के हाथ में है सर आई एम सो स्कैर्ड आ जाता है तो आई एम सो स्कैर्ड ये जिंदगी में कभी ये सभी देखा नहीं है कुछ सो इमोशनल सो सब फिल्मों में देखा था ये सब रियल हो रहा है लेकिन अगर मैसूर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसके बाद आपका आगे का क्या डिसीजन मैसूर में तीन तीन चार चार केस है उनपे एक थ्री कौन सा 76 वो आपने मना किया ना रेप बोलने के लिए 376 और रेप बोलने के लिए मना किया है ना तो बोलना नहीं चाहिए 376 एंड बहुत सारे क्रिमिनल केसेस है चार पाँच केसेस है आदिल के ऊपर वहाँ कितना वक्त लग जाएगा शायद 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना मिलने नहीं मिलेगा बट फाल्गुनी मैम तभी तक तो यहाँ के जो केस है उसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो तो चलेगा ना वो केस तो पेंडिंग रहेगा केस ख़त्म नहीं होती वो वारंट पे ट्रांसफ़र होके जब वहाँ पे भी जो भी फैसला होगा उसके बाद वहाँ की पुलिस को वापस से जैसे गया है ना जैसे गया तो यहाँ पे आना ही आना है ना उनको सारी चीज़ों के बीच में क्या उनके वकील बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते उनको तो है ही ना उनको राइट है ही बेल के लिए एप्लीकेशन करना वो उसके लिए कोई उसमें बार नहीं है तो वो ज़रूर करेंगे अपना काम करेंगे वो अपना काम करेंगे हम अपना काम करेंगे कि बेल ना हो क्योंकि उनको यहाँ पर आना ज़रूरी है मेरे इतने पैसे मेरे इतने वीडियोज़ मेरे केस भी बहुत ज़्यादा गंभीर है वो देखिए जो चोटें लगी हैं मुझे सारे केसेस एक औरत कभी नहीं चाहती अपने घर की बात कोर्ट तक पहुंचे लेकिन कहते हैं ना पानी सर के ऊपर भी नहीं समंदर पार हो गया मेरी ज़िंदगी में